बीजेपी के मिशन बंगाल की करना चाहते हैं, क्योंकि उसे और मजबूत करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। लेट नाइट नए साल के दूसरे महीने में ये उनका दूसरा दौरा है। दो दिन के इस दौरे में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को बंगाल विजय का मंत्र तो देंगे, लेकिन साथ में एक शरणार्थी परिवार के घर पर भोजन भी करेंगे। क्या बंगाल की सियासत में कुछ नया होने वाला है? मैं आपको वादा कर रहा हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। क्या शाह बदल देंगे बंगाल का चुनावी समीकरण? मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएंगे। मिशन बंगाल पर अमित शाह, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। नया साल, दूसरा महीना, और दूसरे महीने में ही गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। देर रात से उनका दो दिन का दौरा शुरू हो रहा है। बंगाल का ये दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि वो गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम जाएंगे, नारायणपुर गांव में गरीब शरणार्थी परिवार के बीच भोजन करेंगे। आज रात करीब 11:30 बजे वो कोलकाता पहुंचेंगे। रात में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद गुरुवार को सुबह 10:30 बजे भारत सेवा आश्रम संघ जाएंगे। इसके बाद कपिल मुनि आश्रम में दर्शन करेंगे। फिर गंगा सागर के इंदिरा मैदान से परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद नारायणपुर गांव में एक शरणार्थी गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे। कोलकाता में शमशान घाट काली मंदिर के पास उनका रोड शो भी है। शाम 5:00 बजे कोलकाता के अरबिंदो भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी लगातार बंगाल की संस्कृति को बचाने का दावा कर परिवर्तन लाने की बात कर रही है। इसके उलट ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बता रही है। इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है, ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। बंगाल में अप्रैल महीने में चुनाव होने वाले हैं और अमित शाह 4 महीने में चौथा दौरा करने वाले हैं। अमित शाह के हर दौरे ने बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। दिसंबर में दौरा किया, ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी समेत 10 विधायक, एक सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। 31 जनवरी को उनकी वर्चुअल रैली से पहले टीएमसी सांसद वैशाली डालमिया समेत 6 नेता बीजेपी में आ गए। 11 फरवरी को अपने दौरे में सीएए को लाने का बड़ा ऐलान कर दिया। बंगाल की सियासी जमीन पर बीजेपी ने जहां ममता का किला भेदने पर जोर लगा दिया है, वहीं ममता किला बचाने के लिए जोर लगा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।